लाइव हो गया। दोस्ती से करो। नमस्कार, गीत चतुर्वेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनको अपने विभाग की ओर से उनका स्वागत करता हूं, क्षमा भी चाहता हूं। कुछ तकनीकी बाधिताओं के कारण हमें जुड़ने में थोड़ा विलंब हुआ, चूंकि साहित्य और तकनीकी एक मंच पर आ जाएं तो फिर बहुत चमत्कार हो सकता है। कोशिश हो रही है और साहित्य संस्कृति की दुनिया के लोग अब तकनीक का सहारा लेकर मंजरयान पर आ रहे हैं, छा भी रहे हैं। हम माफी चाहते हैं, सचमुच माफी चाहते हैं। 3 बजे का वक्त हमने मुकर्रर किया था और 3:05 होने वाले हैं। अमूमन हम अपने अतिथि वक्ता को बाद में बुलाते हैं और हम खुद बाद में आए, इसका हमें मलाल है, खेद है, अफसोस है। आवाज मेरी पहुंच रही है सर, तो इशारा करेंगे, मुझे खुद नहीं मालूम। शुक्रिया, आभार। रोहित भी जुड़े हुए हैं, चेहरा उनका छुपा हुआ है, तबीयत थोड़ी नासाज है शायद। और आज हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को, जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था, शायद क्या इसी कारण से भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। और उस उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा तो ये होता कि हर वर्ष के हर दिन हिंदी दिवस होता, और होता ही है हम लोगों के लिए जो अपनी भाषा में काम करते हैं, उनके लिए कोई अलग दिवस नहीं होता। अपनी जबान, अपनी माँ की गोद में सीखी हुई भाषा का वो प्रयोग करते ही करते हैं। लेकिन एक उत्सव के रूप में एक औपचारिक आज दिन है, और इसमें क्या बुरा है कि हम हिंदी दिवस के रूप में उसे एक दिल से, एक अच्छे तरीके से उसे याद करें, तो ये भी एक हमारे लिए एक कोई बुरा नहीं, इसमें कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसी अर्थ में लेते हैं। हमारे विभाग के प्रमुख और जो हमारे रिपोर्टिंग अधिकारी हैं, श्री के एन जोशी सर, कार्यकारी निदेशक हैं वाणिज्यिक के। नमस्कार सर। वाणिज्यिक मामलों के साथ साथ कवि भी हैं और उत्तराखंड से आते हैं, तो साहित्य और भाषा की अच्छी समझ उनके पास है। अक्सर हिंदी दिवस के मौके पर वो अपनी कविता सुनाते हैं। इस बार चूंकि हम लोग की तैयारी और कई विभागों की ऐसी व्यस्तता है कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, कविता वाला वो भी करेंगे आने वाले समय में, हम कविता का आयोजन अपने लोगों के लिए करेंगे, तो उसमें मुझे यकीन है हमारे जोशी सर अपनी कविता के साथ वहां उपस्थित होंगे। बहरहाल हम जोशी सर का भी स्वागत करते हैं और एक बार फिर से अपने सब लोगों की ओर से गीत चतुर्वेदी साहब का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं औपचारिक स्वागत भाषण के लिए श्री के एन जोशी सर को आमंत्रित करता हूं, वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। श्री के एन जोशी सर। धन्यवाद अलिन जी। आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस। वैसे तो हिंदी हमारी निज की भाषा है, हम इसका दैनिक प्रयोग करते हैं, जितना प्रयोग होना चाहिए उतना होता नहीं है, इसीलिए शायद ये विशेष हिंदी दिवस की आवश्यकता पड़ी। तो हिंदी का यह दिवस है, इस अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्र, सितंबर का महीना है, हिंदी दिवस सितंबर महीने में पड़ता है, इसलिए जितना महत्व हमारे लिए 14 सितंबर का है उतना ही पूरे महीने का भी है, क्योंकि इस पूरे महीने में हम विशेष कार्यक्रम करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। इस दौरान हमें हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण और महान लेखकों, विद्वानों के अनमोल वचन सुनने का अवसर भी मिलता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक श्री ये चतुर्वेदी जी यहाँ विद्यमान है,
और उनको सुनने का हमें अवसर मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे इफ्को परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के वक्ता विद्वत जन श्री घी चतुर्वेदी जी का हृदय से गहराई से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, आप हमारी इस प्रोग्राम में आए हैं, इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, हमारे लिए विशेष सौभाग्य का विषय है। भारतवासियों के लिए हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, यह भारतीय संस्कृत का प्राण स्वरूप भी है। जैसा कि अभी नलिन विकास जी कह रहे थे कि मैंने अभी आधे घंटे में सोचा कि थोड़ा एक छोटी सी कविता बना के कुछ कर दूं इसके ऊपर उपलक्ष्य में, तो शायद अच्छा होगा। एक छोटा सा दो शब्द लिखे हैं कविता के, भारतीय संस्कृत का प्राण तत्व तुम ही भारत की हो शान, हमारे जीवन के आदि वर्तमान अंत में तुम ही भारत की असली पहचान। देव भाषा संस्कृत से उपजी तुम, राष्ट्रभाषा का पाया सम्मान, भारत की एकता व अखंडता का प्रतीक, इस भाषा से ही है यह देश महान। ये मेरे देश की प्यारी मीठी हिंदी, तो मैं मेरा हृदय से सत सत नमन, सत सत नमन। तो मेरा हिंदी के लिए विशेष रहता है कि हिंदी का हमारा प्रयोग होना चाहिए नित्यांतर में। हम लोग ये भी जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता के पश्चात भी देश को एक सूत्र बांधने के लिए हिंदी की ऐतिहासिक भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। यही एक मात्र भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग उसको जानते हैं और बोलते हैं और लोग समझ सकते हैं इसको। तो हालांकि हिंदुस्तान में बहुत भाषाएं हैं, पर उनमें सबसे ज्यादा बोलने वाली, सबसे ज्यादा प्रचलित भाषा जो है वो हिंदी ही है। अतः इस अवसर में अपने देश को, देश की इस प्यारी मीठी भाषा को हृदय से नमन करता हूँ और एक बार मैं पुनः आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन में इफ्को का भाषा साहित्य और संस्कृति प्रकोष्ठ अपनी गतिविधियां संचालित करता है और आज खास मौका है हिंदी दिवस का, जिसमें हम सब एकत्र हुए हैं, भले ही वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे और न केवल हमारे हमारी जो केंद्रीय इकाई है वहां से, बल्कि हमारी जो अन्य इकाइयां हैं जो कलोल में है, गुजरात में, कांडला में है, उत्तर प्रदेश में दो इकाई हमारी, और पारादीप में, सब जगह से लोग जुड़ेंगे और YouTube पर भी ये व्याख्यान उपलब्ध होगा, तो आगे भी इसका लुत्फ उठा पाएंगे, इसका लाभ ले सकेंगे। मैं विधिवत अपने अतिथि वक्ता गीत चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करूं, हालांकि वे परिचय के मोहताज नहीं है, अदबी दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है, फिर भी चूंकि हमारे जो कर्मचारी जन हैं वो सीधे तौर पर साहित्य से नहीं जुड़े हैं, हालांकि हम ये कहते हुए संतोष है और गर्व भी होता है कि हिप्को साहित्यिक कार्यक्रम भी करता रहता है और उसमें हमारे लोगों की भागीदारी रहती है, पुस्तकों के बारे में साहित्यकारों को लेकर के हमारे जो लोग हैं उनमें एक उत्साह का भाव रहता है। और जब हमने ये साझा किया, और शायद यही कारण है कि हर साल हम मुख्य धारा के जो साहित्यकार हैं, जो वैचारिक लेखन करते हैं, जो संवेदनाओं से हमें झंकृत करते हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं और लोग उनका लाभ लेते हैं और अच्छा उनका उनसे हमें अच्छा एक तरह का सुझाव भी मिलता है, उनकी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो ये हौसला हमें और संबल देता है आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करें। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच गीत चतुर्वेदी साहब उपस्थित हैं, विराजमान हैं, मैं उनका फिर से स्वागत करता हूं और संक्षेप में मैं उनका एक परिचय पेश करता हूं, हालांकि वे लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। किसी एक विधा के अंदर रखना संभव नहीं है आपको, आपकी प्रतिभा कई आयामों को छूती है। आप कवि हैं, आप कहानीकार भी हैं, आपने उपन्यासिका भी लिखी है, आप लेखक, अनुवादक, संस्कृति कर्मी के तौर पर आपने देश और दुनिया में अपना नाम, हिंदी का नाम रोशन किया है, हिंदी की पताका फहराई है कई भाषाओं में, देश की भाषाओं में भी और दूसरी भाषाओं में भी आपकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं और अव्वल
कि आपकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं तो वो एक तरफा नहीं है, ये आपने भी स्पेनिश के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से और कई विदेशी भाषाओं के माध्यम से कई लेखक लेखकों के, शिम्बोर्स्का है, पाब्लो नेरुदा है, लोरका है, बोर्खेस, तमाम ऐसे बड़े बड़े लेखकों के, कवियों के अनुवाद आपने हिंदी में, हिंदी के जनता को सुलभ कराए हैं। हिंदी जगत इसके लिए आपका ऋणी है। आपकी बहुत सारी किताबें लगातार बेस्ट सेलर के दर्जे को पाती रही हैं। कुछ जिक्र मैं करूं तो द मेमोरी ऑफ नाउ, अलाप में गिरह, ये दो कविता संग्रह आपके बड़े चर्चित रहे। और जो बेस्ट सेलर की मैं बात कर रहा था, न्यूनतम मैं एक कविता संग्रह है आपका, वो दैनिक जागरण के नीलसन बुक्स बुक स्कैन में वो बेस्ट सेलर के रूप में कई काफी लंबे समय तक रहा। खुशियों के गुप्तचर आपका एक संग्रह है जो 2019-20 के दरमियान वो भी बेस्ट सेलर के तहत उसका स्थान रहा। आपका एक नोवेला है सिमसिम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमरीका के की संस्था ने उसे बहुचर्चित पेनहैम ट्रांसलेशन ग्रांट अवार्ड दिया। तमाम चीजें हैं नॉन फिक्शन में, अधूरी चीजों का देवता, टेबल लैम, कहानी की मैंने बात की, सिमसिम, पिंक स्लिप डैडी, सावंत आंटी की लड़कियां, बहुत वितान आपका जो है वो विशाल है, उसमें कई रंग हैं आपकी कविता के, आपकी कहानियों के, और अनुवाद का भी कोई जवाब नहीं है। काफी अनुवाद आपने अलग अलग भाषाओं से, खासकर अंग्रेजी स्पेनिश से, जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार से आपको नवाजा गया, जिसमें कविता के क्षेत्र का अति प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं, वर्ष 2007 का यह खिताब आपको प्रदान किया गया था। शैलेश मटियानी सम्मान, सैयद हैदर रजा फेलोशिप से लेकर कई पुरस्कार है, लंबी सूची है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता जानबूझकर। एक बात जरूर बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस ने 2011 में जिन 10 युवा रचनाकारों को स्थान दिया था, सर्वश्रेष्ठ युवा रचनाकारों को, उसमें भी आपका नाम शुमार किया गया। हिंदी भाषा को आप पर गौरव है और हम आशा करते हैं इसी तरह जिस तरह आपने अभी तक हिंदी के कैनवस पर अपने कला और अपने साहित्य के रंग से उसे समृद्ध किया है, आगे भी आपकी रचनाएं आती रहेंगी। निजी तौर पर मैं आपकी कविताओं को पढ़ता रहा हूं, बहुत ज्यादा तो नहीं। हाल के दिनों में सिनेमा पर बॉब डेलन को लेकर आपका आलेख मुझे पढ़ने को मिला, मैं बहुत प्रभावित हुआ। और ये यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ, बॉब डेलन को किस तरह नोबेल प्राइज ने, नोबेल अवार्ड कमिटी ने किस तरह समझा, परखा, और किस तरह साहित्य का लेखक न कहते हुए भी अमेरिकी गीत लेखन की विशाल परंपरा में स्थान दे करके उनकी उनके योगदान को एक तरह से मंजरेआम पर दुनिया के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया, उन्हें सम्मानित किया। इस तरह की चीजें भारत में भी होने की जरूरत है। और आपकी चिंता शायद उस आलेख में यही रही होगी, हमारे यहाँ लोकप्रिय साहित्य को अक्सर कमतर करके, दोयम दर्जे का करके उसे खारिज किया जाता रहा। शायद मुख्य धारा का, जिसको हम साहित्य कहते हैं, वैचारिक साहित्य, आज पाठकों से दूर हो रहा है। तो ये चिंता हमें करनी चाहिए, हिंदी के हर जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी का जो विद्यार्थी है, जो हिंदी प्रेमी है, उसे चाहिए कि हम अपनी भाषा को ज्यादातर लोगों तक पहुंचा सकें। और शायद इसी सोच के तहत हमने ये विषय हिंदी सिनेमा और साहित्य, चूंकि आप साहित्य और सिनेमा न सिर्फ बॉलीवुड, हॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा पर भी आप एक महत्वपूर्ण एक काम आपका रहा है, आप उस पर सोचते हैं, लिखते रहे हैं, कवि आप स्वयं हैं, साहित्यकार हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा व्यक्ति कौन हो सकता है जो इस विषय पर न्याय कर सके। मैं बहुत समय ले चुका हूं, मैं सीधे आवाज दे रहा हूं गीत चतुर्वेदी साहब को, आप आए और खुलकर अपने विचार रखें। गीत चतुर्वेदी साहब, आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। अब मेरी आवाज आई, मैं यही जानना चाहता हूं। जी सर, आ रही है बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका नलिन जी। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि हिंदी के एक बेटे की तरफ से आए हुए शब्द हिंदी के दूसरे बेटे को गदगद करते हैं। इफ्को भाषा साहित्य एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के इस आयोजन को
इस पूरे आयोजन को मैं धन्यवाद कहता हूँ। और आरंभ में ही आप सभी को अपना प्रणाम देते हुए नलिन जी, जोशी जी और अन्य सभी सहभागियों को अभिवादन करते हुए आरंभ में ही मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं जो भी बोलूंगा वो अटक के बोलूंगा और भटक के बोलूंगा, क्योंकि अटकना और भटकना ये मेरी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। मैं कृष्ण के देश का निवासी हूँ, मैं बुद्ध के देश का निवासी हूँ। कृष्ण जहां जाते थे वहां अटक जाते थे, पीछे लौटते नहीं थे, जहां गए आगे की तरफ गए वहीं रुक जाते थे। गोकुल छोड़ मथुरा गए, गोकुल नहीं लौटे, मथुरा रहे। मथुरा छोड़ द्वारका गए, वहीं रहे, पीछे कहीं नहीं लौटे। ठीक उसी तरह बुद्ध भी जीवन में भटकते रहे थे, एक मुकाम तक स्थान पर पहुंचने से पहले भटकते रहे। तो मेरी कही हुई बातें अटकाव और भटकाव के बीच होंगी। साथ ही एक और बात कह दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं जो ज्ञान की तमाम बातें करूं। परिहास में कई बार मैं कहता हूं कि एक दिन या एक रात मेरे सपने में माता सरस्वती आई और उसने कहा, पुत्र क्या मांगे, क्या लोगे, ज्ञान लोगे या प्रेम लोगे? मैंने कहा, माता सबसे पहले तो चरण स्पर्श करता हूँ और कहता हूँ कि मुझे प्रेम देना, क्योंकि ज्ञान तो मेरे यहाँ बहुत है। क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ, सड़क पर जाता हूँ, पान की दुकान पर जाता हूँ, तो मुझे वहां भी ज्ञान मिल जाता है। कक्षा में जाता हूँ तो वहां भी ज्ञान मिल जाता है। मुझे प्रेम देना, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो संसार में कम है, और वो भाषा सबसे सुंदर भाषा होती है, प्रेम की भाषा। कई बार मुझे लगता है कि मरते हुए रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया, अगर जीते हुए रावण ने राम और लक्ष्मण के प्रति प्रेम और सम्मान दिया होता तो इतने बड़े युद्ध की नौबत ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा ज्ञान से ऊंचा प्रेम को मानता हूँ। और आज भी जो बातें कहूंगा हिंदी के प्रति, वो अपने ज्ञान से कम हिंदी के प्रति मेरे प्रेम से अधिक संचार। मैं कुछ अपने अनुभव हिंदी में लिखने के उससे जुड़े हुए अनुभवों को आपके साथ साझा कर। एक सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मैं हिंदी में क्यों लिखता हूं। इसका कोई सीधा जवाब इसलिए भी नहीं होता क्योंकि मैं ये कभी नहीं बता पाता कि मेरी नागरिकता भारतीय क्यों है, क्योंकि मैं भारत में पैदा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में पैदा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी का बेटा, क्योंकि हिंदी वो भाषा है जिसमें मैं सपने देखता हूँ। हम उस भाषा में सबसे अधिक सहज, सबसे अधिक सरस होते हैं, जिस भाषा में हम सपने देखा करते हैं। हिंदी मेरे सपनों की भाषा है, मैंने हिंदी में सपने देखे हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने हिंदी से आशीर्वाद पाया, माँ हिंदी का यह आशीर्वाद। मातृभाषा एक शब्द बहुत प्रचलित शब्द है, माँ की भाषा, मेरी माँ की भाषा भी हिंदी। लेकिन मुझे मेरी माँ ऐसा कोई शब्द नहीं बोलती थी जिसका अर्थ जानने के लिए मुझे शब्दकोश देखना पड़े। वो बिल्कुल आम, समझ में आने वाली, कानों में उतर कर अमृत खोलने वाली वाणी बोलती थी, और बिल्कुल साधारण, सुंदर, सहज शब्दों की मदद से। तो हिंदी मेरी वो मातृभाषा है जिसके लिए मुझे कहीं दूसरी तरफ अर्थ की तलाश में जाना नहीं। लेकिन हिंदी मेरे पिता की भी भाषा, मेरे पिता और मेरी माँ ने मुझे भाषा को दो अलग अलग तरीके से बरतना सिखाया। माँ कहती थी इस भाषा में कि मुझे कहीं दूसरी तरफ जाना ही नहीं पड़ता था अर्थ की तलाश करने के लिए, और पिता
कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जिनका अर्थ मुझे पता ही नहीं था। मैं जानता नहीं था उन अर्थों के बारे में। तब मैं उनसे पूछता था, बाबूजी इसका अर्थ क्या है? कहते थे, शब्दकोश देख लो। मैं कहता, आप खुद मतलब बता दीजिए। शब्दकोश देखने में तो मुझे 20 मिनट लग जाएंगे, मुझे शब्दकोश देखने की इतनी आदत भी नहीं। तब वो और नहीं बताते थे, कहते थे जब तक और नहीं बताऊं जाओ शब्दकोश देख। कठिन शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश देखने की आदत मेरे पिताजी ने। भाषा के यही दो पहलू होते हैं, एक जो सरस सजल माँ की भाषा की तरह बहती चली जाए, और दूसरी भाषा वो जिसके लिए हमें थोड़े से प्रयास करने हैं। भाषा के दोनों पहलू मेरे पास इस तरह से आए, और मैं जानता हूँ कि सिर्फ मेरे पास ही नहीं बल्कि हमारे समय के ज्यादातर लोगों के पास आए। भाषा को लेकर के, हिंदी को लेकर के कुछ बहुत अच्छी स्मृतियां और कुछ बहुत चिंताजनक शोचनीय स्थितियां मेरे अनुभव के दायरे में आई। किशोरावस्था के दिनों की याद करता हूँ। 1995-96 का बरस रहा होगा। साहित्य पढ़ने का नया नया शौक, किताबों के प्रति एक खास किस्म का आकर्षण था, और मजे की बात है कि सिर्फ मुझ में ही नहीं था, मेरे जैसे तमाम मेरे कई मित्रों में भी था। उनमें से एक मित्र, उसकी बहुत पिटाई हुई थी। एक दिन उसके पिताजी ने उसे बहुत मारा। हमें समझ में नहीं आया कि इसे क्यों मारा गया, और जो कारण उसने बताया वो कारण भी बहुत दिनों तक हमारी समझ में नहीं आया। उसकी पिटाई इसलिए हुई थी क्योंकि वो हिंदी की किताब पढ़ रहा था, वो हिंदी का एक उपन्यास पढ़ रहा था। मैंने कहा, हिंदी उपन्यास पढ़ना कोई बुरी बात तो है नहीं, फिर क्यों तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारा है? उसने कहा, क्योंकि मेरे पिताजी को हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं आती। मैंने कहा, ये क्या कारण हुआ? अगर उनको खुद हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं आती, तब वो भला तुम्हें क्यों हिंदी किताब पढ़ने पर पीट रहे हैं? तब उसने कहा, मैं अपने जीवन में असफल हूं, मैं एक बड़ी नौकरी नहीं पा सका क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो मेरे बेटे, तुम हिंदी की किताब मत पढ़ो, तुम अंग्रेजी की किताब पढ़ो। उसे पढ़ने से कम तुम्हारी अंग्रेजी तो ठीक हो जाएगी, हिंदी को ठीक करने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि हिंदी तो ऐसे ही अपने आप ही ठीक हो जाए। ये मेरे उस मित्र के पिताजी के शब्द। इन शब्दों ने मेरे ऊपर भी बहुत गहरा प्रभाव। क्या सच में हिंदी इस तरह से हमारे असफलता बोध से जुड़ी हुई है? क्या सच में हमारी गौरव की भावना हिंदी के साथ नहीं जुड़ पाई है? मैं जिस पीढ़ी का हूं, उस पीढ़ी की किशोरावस्था में, उस पीढ़ी की युवावस्था में ये एक बहुत ही सामान्य तौर पर देखी जाने वाली बात। हिंदी हमारे गौरव से नहीं जुड़ी। इस बात ने, मेरे मित्र के इस बात ने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत प्रभावित। मैंने कहा अपने आप और अपने आसपास के लोगों से कि मैं हिंदी में काम करूं, मैं अपना सारा व्यवहार हिंदी में, जिस हद तक संभव होगा मैं हिंदी का व्यवहार करता। और आज तक केवल लेखन ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़े हर पक्ष में, हर पहलू में मैंने अपने लिए एक नियम बना रखा है, एक अघोषित तरीके का नियम। यदि जिस व्यक्ति के साथ मैं संवादरत हूँ
उस व्यक्ति को हिंदी का ज्ञान है, उसे हिंदी आती है, तो मैं संवाद के लिए किसी दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, हिंदी का ही प्रयोग करूंगा। भले मुझे इस मुसीबत से या इस संकट से क्यों न जूझना पड़े कि सामने वाला मुझे अज्ञानी, अनपढ़ या निरक्षर मान, क्योंकि इस देश में बहुत ही शर्म, चिंता और सोच का विषय। इस देश में यदि आप खुलकर हिंदी बोलते हैं तो ऐसी कई जगहें हैं जहां आपको अनपढ़ या निरक्षर मानने की भूल, मुझे भी मानते हैं। मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है कि अंग्रेजी में कहा गया एक तुच्छ वाक्य हिंदी में कहे गए एक श्रेष्ठ वाक्य पर कई बार भारी पड़ता है। कई लोग सिर्फ इसीलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत साधारण और काम चलाऊ भाषा में, अंग्रेजी भाषा में अपनी बातें कहते हैं। कई लोग हिंदी में बहुत अच्छी बातें कहने के बाद पीछे रह जाते हैं क्योंकि हिंदी के साथ गौरव और अभिमान उस तरह का जुड़ नहीं। ठीक यहीं पर आकर एक हिंदी लेखक और एक हिंदी कर्मी की भूमिका बड़ी हो जाती है। आज का जो समय है, जो यह पूरा दौर है, इसमें हिंदी समाचार पत्रों ने बनाई है, साहित्य ने बनाई है और सिनेमा ने बनाई। हिंदी को एक नया रूप इन तीनों माध्यमों ने दिया है और कितनी खुशी की बात कि हिंदी का पूरा स्वरूप, हिंदी के उपयोग और हिंदी का दायरा, ये तीनों बढ़ता जा रहा है। एक स्मृति मेरे किशोरावस्था की मैंने अभी अभी सुनाई, अपने मित्र के पिता की स्मृति। एक स्मृति मैं पिछले एक दो साल पहले की सुनाता हूँ, जब अंग्रेजी भाषा के मेरे एक लेखक मित्र ने धड़ाधड़ हिंदी में ट्वीट करना शुरू किया। मैंने पूछा, भाई तुम तो हमेशा अंग्रेजी में ट्वीट करते हो, तुम्हारे काम करने का दायरा, तुम्हारे काम करने का क्षेत्र भी हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, फिर तुम अब हिंदी में क्यों ट्वीट कर रहे हो? क्योंकि उसने कहा, हिंदी में जब ट्वीट करता हूँ तो मेरे ट्वीट की रेंज बढ़ जाती है, उसे लोगों की तरफ से ज्यादा समर्थन मिलता है, ज्यादा रिट्वीट, ज्यादा लाइक मिलते हैं, क्योंकि हिंदी व्यापक जन की भाषा। दृष्टिकोण बदलने में समय नहीं लगता। कुछ ही वर्षों में इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी उपस्थिति को जिस तरह से व्यापक किया है, हिंदी की उपस्थिति जनता के बीच पहले भी व्यापक थी लेकिन उसे कई बार देखा या महसूस नहीं किया जाता था या उसको क्वांटिफाई नहीं किया जाता था। अब इंटरनेट पर या इन संचार के नए माध्यमों में, तकनीक के नए क्षेत्र में हिंदी का जिस तरह से प्रसार हुआ है, बहुत सारे लोग अब हिंदी को, हिंदी के आगे माथा झुका रहे हैं, हिंदी को वो मान्यता दे रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है एक साहित्यकार के तौर पर भी, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि साहित्य, समाचार पत्र और सिनेमा ने नए दौर की हिंदी का गठन किया। समाचार पत्रों की भूमिका को तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि समाचार पत्र ही हैं जो नए नए शब्द लेकर के आते हैं। मैंने अभी अभी एक शब्द आम जनता के बीच बहुतायत में प्रयुक्त होते हुए देखा, वह है कोरोना काल। शब्द है कोरोना काल, ये शब्द अखबारों और समाचार पत्रों ने मिलकर के ही गठित किया, इसको गढ़ा है। देखिए इस तरह से अखबारों ने भी हिंदी में एक नया आयाम पर, सिनेमा के योगदान को जो है कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि सिनेमा ने हिंदी को सिर्फ हिंदी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों और विदेशों में भी पहुंचा दिया। दक्षिण भारत के कई शहरों में मेरा जाना होता है
और वहां कई लोग इशारे में कहते हैं कि हिंदी ना, हिंदी हाँ, यानी तुम हिंदी बोलो, मैं हिंदी बोल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं हिंदी सुनता और हिंदी समझता हूँ, इसलिए तुम आराम से हिंदी। ठीक ऐसा ही मैंने विदेशों में भी, मैं हिंदी सिनेमा को, हिंदी सिनेमा ने हिंदी भाषा को जिस स्तर पर पहुंचाया, एक तुर्की के मेरे मित्र हैं हिंदी सिनेमा के बहुत प्रशंसक, हिंदी सिनेमा के अच्छे फॉलोअर हैं, खूब हिंदी सिनेमा देखते हैं सबटाइटल लगा के कई बार। और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि ये हिंदी जो है वो कई बार अपनी जैसी लगती है, क्योंकि ये जो लेकिन है ये तो हमारे यहाँ का शब्द, लेकिन हिंदी में, हिंदी की फिल्मों में बार बार एक शब्द किंतु या परंतु बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन ये लेकिन शब्द सुनने को मिलता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये लेकिन शब्द आपके यहाँ से आया हुआ है, तुर्की से आया हुआ है, जब तुर्की के शासक हमारे देश में आए तो इस तरह के बहुत सारे शब्दों को हमारे पास आया। मेरे कुछ दूसरे मित्र, उन्हें मैंने ये बात बताई कि देखो तुर्की का एक व्यक्ति बड़ा खुश हुआ कि उसने हिंदी के लेकिन शब्द को जो है अपनी भाषा के जरिए पहचान लिया, और ये जान करके बड़ा खुश हुआ कि हमारी भाषाओं में सदियों पुराना रिश्ता है। मेरे उस मित्र ने कहा कि क्या सच में लेकिन तुर्की भाषा का शब्द है? मैंने कहा हाँ वहीं से आया हुआ शब्द है, अरबी तुर्की में उसका बड़ा इस्तेमाल होता था और हमारे यहाँ वहीं से आया है। उसने कहा लेकिन मैं तो उसे अपना मानता आया हूँ, अपनी भाषा, अपने शब्द हैं। मैंने कहा हाँ बहुत सारे शब्द जो बाहर से हैं, अरबी फारसी पुर्तगाली से हैं, उन्हें हम अपना मानते हैं, जो अपने हो गए। यहीं पर तो मुझे एक बहुत चुटकुला, एक पुराना लतीफा याद आता है, क्योंकि भाषा को लेकर के ये जो सारी समझ है हमारी, भाषा संस्कृति और साहित्य को लेकर के जो हमारी समझ है, किसी अपना शब्द से परिभाषित होती है कई बार। एक पुराना लतीफा है, नगर का एक सेठ था, उसके पास कोई संतान नहीं थी, बहुत मन्नतों के बाद, मुराद के बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ। सेठ के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उसने खूब मन लगाकर हर तरफ से जतन करके अपने बेटे का बहुत सुंदर लालन पालन पोषण किया। बेटा बड़ा हुआ और एक दिन बेटे को दूसरे नगर के सेठ की कन्या के साथ प्रेम हो गया। उसने कहा पिताजी मैं उस कन्या से ब्याह करूं। पिताजी ने कहा किससे? बेटे ने कहा उससे, उस सेठ के बेटे। पिता ने कहा बेटा ये तो नहीं हो पाएगा, शादी तुम किसी और से कर लो, तुम्हारे लिए कोई भी दूसरी मैं राजकुमारी ला दूंगा लेकिन उस लड़की से तुम शादी नहीं कर सकते। बेटे ने जिद पकड़ी, करूंगा तो बस इसी से करूंगा, दुनिया में बाकी किसी से नहीं करूंगा। सेठ जी ने जिद पकड़ ली कि दुनिया में किसी से भी शादी करवा दूंगा लेकिन उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। बेटे को लगा कि नगर सेठों की आपस में जो दुश्मनी है, मेरे पिताजी उस सेठ को पसंद नहीं करते हैं, इनके बीच की दुश्मनी के कारण मेरी प्रेम कहानी तो भैया आप यहीं पे समाप्त हो। बेटे ने मचा दिया रोना धोना और पहुंच गया अपनी माता की शरण में, माँ की गोद में जाके सिर रख दिया, रोने लगा, कहने लगा बस उसी से शादी करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। और पिताजी कहते हैं कि उससे होने नहीं दूंगा चाहे जिससे कर। माँ ने कहा पिताजी से पूछना पड़े। माता ने पूछा पिताजी क्यों तुम इतनी जिद कर रहे हो, क्यों उसकी शादी वहां नहीं होगी? एक बहुत बड़ा रहस्य खुला,
पिता ने कहा वो जो नगर सेठ, पड़ोस वाले नगर के सेठ की जो कन्या है वो भी दरअसल मेरी बेटी है, क्योंकि नगर सेठ की पत्नी के साथ मेरा एक लंबा गुप्त संबंध रह चुका है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मेरा बेटा और उसकी बेटी दोनों तो बहने, भाई बहन है, दोनों में शादी कैसे करने की अनुमति दूं मैं। तो बेटे की माँ मुस्कुरा पड़ आई, अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरा और बोली, जा बेटा, तो बिंदास उसी लड़की से शादी कर, कोई बहन नहीं लगे है तेरी, क्योंकि तो एक लंबा गुप्त संबंध तो मेरा भी था। तो जिसको नगर सेठ अपना मान रहा है वो उसका अपना नहीं, और जिसको दुनिया पराई मान रही है वो नगर सेठ का अपना। जीवन में ये स्थिति घूम फिर के आती रहती है, इसलिए अपने की राजनीति में ज्यादा पढ़ना ही नहीं चाहिए। संस्कृति, साहित्य, जीवन, जैसे जैसे अपने की जड़ तलाशना शुरू करेंगे हो सकता है कि निष्कर्ष या नतीजे से हमें कोई भारी ठेस पहुंचे। इसीलिए गणित में भी कहा जाता है मान लो, संस्कृति में भी कहा जाता है मान लो, साहित्य में भी कहा जाता है मान लो। क्या मान लो? अपना मान लो। हर उस चीज को जिसको तुमने अपना लिया है वो तुम्हारा अपना है। जिन चीजों को तुम अभी तक अपना नहीं पाए हो सिर्फ वही चीजें तुम्हारे लिए पराई हैं। जिस दिन तुम उन्हें अपना लोगे वो भी तुम्हारी अपनी हो जाए। यही हिंदी की खास। संसार की तमाम भाषाओं में सबसे बड़ी खासियत ये हिंदी की है और यही हिंदुस्तान की खासियत। समावेश करना, लोगों को अपना बना लेना। लोग यहाँ आए फिर जा नहीं पाए। ये दुनिया ऐसी है, ये दिल ऐसा है, एक बार जो यहाँ आया वो यहीं का हो के रह गया, और अगर गया भी तो ऐसे निशान लेकर गया, ऐसे निशान छोड़ के गया, उसको भूलना मुश्किल। हिंदी और हिंदुस्तान, इनके इस समावेशी गुण का परिचय इस हिंदी भाषा के बीच, इस हिंदी भाषा के तहत हमें बार बार मिलता रहता है। मैं पुराने जमाने की बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद हो सकता है उस जमाने की भी बात करूं, लेकिन आज के जमाने का एक बहुत छोटा सा वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करूं। छोटा सा वाक्य कहते हैं लोग कई बार, ट्रेन लेट है, बस लेट है, ट्रेन लेट है, इसी एक वाक्य को लिया जाए। इसमें सिर्फ है हिंदी का है, बाकी ट्रेन अंग्रेजी का शब्द, लेट अंग्रेजी का शब्द है। सिर्फ हिंदी में ये खासियत है कि दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर के अपनी क्रिया लगा करके उसे अपनी भाषा का शब्द, अपनी भाषा का वाक्य। बस लेट, ट्रेन लेट, इस तरह के तमाम वाक्य हिंदी ने अब अपने भीतर शामिल कर, तमाम शब्द हिंदी ने अपने भीतर शामिल कर लिए हैं। इसलिए मेरे वो मित्र जो बड़े परेशान थे इस बात से कि नहीं, ये शब्द तो अपने हैं और वो शब्द तो पराए थे, जब एक दिन हमने बैठ करके लिस्ट बनानी शुरू की तो ऐसे कितने शब्द निकल करके आए जो दरअसल कहीं और से थे, लेकिन हमने उन्हें इतनी कर्म जोशी के साथ अपना रखा है कि वे सारे के सारे शब्द हमारे अपने शब्द बन गए। बहुत सिंपल, हम बार बार कहते हैं अचार हमारी भाषा नहीं, अचार बाहर से आया हुआ शब्द है पुर्तगाल, चाभी संतरा, साबुन पपीता, बाल्टी कमीज, यहाँ तक कि हम दिन में 10 बार जो शब्द बोलते हैं आलू, वो आलू भी जो है पुर्तगाली से हमारी भाषा में आया है। आलपिन, पादरी, नीलाम, गोदाम, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, प्याज, मेज, ये भी पुर्तगाली भाषा के शब्द।
ऐसी तुर्की भाषा के कितने सारे शब्द हिंदी में हैं, कैंची, कलंगी, आका, चम्मच, तो, बारूद, कालीन, खंजर, काबू, चुगली, चोगा, तमगा, बेगम, बहादुर। बहादुर शब्द का तो कितना प्यारा एक उत्पत्ति है। बहादुर हमारे यहाँ आया है तुर्की से, लेकिन तुर्की में कहाँ से आया? तुर्की में आया मंगोल। जब मंगोलों ने पूरे पश्चिम पर, मध्य एशिया पर हमला किया, तो सिर्फ रक्तपात और कत्लेआम ही नहीं मचाया, बल्कि भाषा और संस्कृति के बीज भी बिखेरते चले गए, जिसके पौधे उग करके बहुत बड़े हो गए। मंगोलिया का एक शहर है बाटुर, उलान बाटुर, बाटुर उनका एक जगह का नाम, बाटुर वीर और बहादुरों को कहा, वीर और योद्धा लोगों को बाटुर कहा जाता है मंगोलिया। वो बाटुर तुर्की में पहुंचा, वहां बहादुर बन गया, और वो बहादुर हिंदी में आकर और बहादुर हो गया। तो भाषा इस तरह से यात्रा कर, शब्द इस तरह से यात्रा करते हैं, संस्कृति इस तरह से यात्रा करते हैं। जिस प्रकोष्ठ में यहाँ, जिस प्रकोष्ठ के आयोजन के तहत हम ये सारी बातें कर रहे हैं, उस प्रकोष्ठ का शीर्षक नाम भी है भाषा साहित्य व संस्कृति प्रकोष्ठ। संस्कृति इस यात्रा को, भाषा की इस यात्रा को बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। नमक का इस्तेमाल हम इतनी बार करते हैं, नमक भी हमारे पास फारसी से आया। लगाम, दर्जी, तबाह, खर्चा, खराब, खून, आदमी, कितने सारे शब्द, ये है हिंदी। या बाहर से लिए गए शब्द तमाम भाषाओं में, लेकिन शायद ही कोई भाषा ऐसी हो हिंदी जैसी जिसमें इतनी बहुतायत में दूसरी जगहों पे शब्द। ये है समावेश। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 21वीं सदी के इस दूसरे दशक, तीसरा दशक शुरू हो गया, हमें ये बात खुद को बार बार याद दिलाना है कि हम न केवल देश के रूप में, हम न केवल भाषा के रूप में, बल्कि समूची संस्कृति के रूप में हम समावेशी प्रकृति के लोग। हम सबका स्वागत करते हैं, हम सबको अपने से जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी, हमारी भाषा सिर्फ किसी साहित्य की, सिर्फ किताबों की भाषा नहीं है, बल्कि ये जनता की भाषा, जन सामान्य की भाषा। एक बहुत बड़ा, क्या कहना चाहिए इसे, भ्रांत इस तरह की चलती है। बार बार हम लोगों को ये बताया जाता है, पता नहीं दूसरे लोगों के अनुभव में क्या है, किंतु मेरे अनुभव में तो ये है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, अपनी किशोरावस्था युवावस्था में था, तो हमें ये चीज बार बार बताई जाती थी कि हिंदी एक नौजवान, एक युवा भाषा है, कि हिंदी को विकसित हुए या हिंदी को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं भी ये मान लेता था। कई बार वो कहते थे कि खड़ी बोली है, ये माना जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी एक अलग रूप है, किंतु हिंदी कभी हमारे लिए युवा भाषा नहीं, क्योंकि हिंदी हमारी एक प्राचीन भाषा है। कि अमीर खुसरो के जमाने में भी हिंदी का प्रयोग होता था, कि जब बाबर इस देश में आया था, तब भी उसके दरबार में जो कवि थे वो खुद को हिंदी का कवि कहते थे, कि हिंदी में ही पाठ्यक्रम में हम कबीर और तुलसी को पढ़ते। प्रोफेसर साहब ने मुझसे कहा, हिंदी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। मैंने कहा, आप कहते हैं सर कि 125 साल का इतिहास है, फिर पाठ्यक्रम में मुझे
400 साल पुराने कबीर क्यों पढ़ाए जाते हैं, 400 साल पुराने तुलसी क्यों पढ़ाए जाते हैं, हिंदी के पाठ्यक्रम में जायसी क्यों पढ़ाए जाते हैं। का अर्थ है कि हिंदी पुरानी है और हिंदी के विकास के कई सारे चरण हैं, इसलिए सबसे पहली बात तो हम यही छोड़ दें कि हिंदी एक नौजवान या नई नई भाषा। विकास तो सारी भाषाओं का होता है, शेक्सपियर की भाषा एक अलग स्वाद की अंग्रेजी है, एक अलग मुहावरे की अंग्रेजी है, टेनिसन की अंग्रेजी एक अलग मुहावरे, बायरन की अंग्रेजी अलग मुहावरे, और आज की तारीख में लिखने वाले पिछले 20 25 50 बरस के कवि प्लाथ, टेंडर, टेड ह्यूज, इनकी अंग्रेजी एक अलग मुहावरे है, तो उनकी भाषा भी विकसित हो रही है। वो तो कभी नहीं कहते कि उनकी भाषा नौजवान भाषा है, युवा भाषा है, परंपरा से निकली है भाषा, ये बहुत पुरानी। हम जितना जान पाते हैं सिर्फ उतना ही पुराना जान पाते हैं, हमारे जाने हुए से भी ज्यादा पुराना होता है सब कुछ, बहुत सारी चीजें। ये तो कहना बहुत अधिक कि गालिब भी अपने खतों में अपनी भाषा को हिंदी कहा था, बोलते थे मैं हिंदी में लिखता गालिब कि मेरे पास कुछ पुराने ग्रंथ हैं 12वीं सदी 11वीं सदी के, जिनमें जो कि फारसी के ग्रंथ हैं, जिनमें बाकायदा लिखा हुआ है ज़बाने हिंदी से तर्जुमा, तो जो हिंदी में बोली जाती थी हर वो भाषा हिंदी हुआ करती। कुछ साल पहले अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, नौजवान हैं जो अपने अपने तई अपने अपने अंदाज में सर्वेक्षण किया करते हैं और कई बार उनके नतीजे बड़े मनोरंजक होते हैं। अमेरिका के नौजवानों से, अमेरिकी नौजवानों से उस युवक ने सर्वेक्षण में पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे इंडिया की भाषा कौन सी है? ऑन स्क्रीन उसने 50 लोगों से ये सवाल पूछा, जिनमें उसने एशियाई लोगों को कम शामिल, उन 50 में से 35 से ज्यादा लोगों ने कहा इंडिया की भाषा इंडियन। यानी बाहर अब भी इस बात की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है, इंडिया में इतनी ज्यादा भाषा कि जितनी भाषाएं पूरे यूरोप में बोली जाती हैं उतनी भाषाएं तो अकेले भारत में ही बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी एक आम पश्चिमी, एक लेमैन पश्चिमी के दिमाग में जो बात है वो ये कि जैसे रूस की भाषा रशियन होती है, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश होती है, जैसे इराक की भाषा इराकी बोल देते हैं, उसी तरह इंडिया की भाषा को इंडियन। और ये दृष्टिकोण, ये मंतव्य कई बार बड़े पैमाने पर बौद्धिक लोगों के बीच दिखाई पड़ता है। एक हिंदी के लेखक के रूप में मैं जब देखता हूँ दुनिया के साहित्य को और सोचता हूँ कि हिंदी की स्थिति इस पूरे साहित्य में कहाँ है, तो एक दिलचस्प चीज मेरी नजर में आती है। मुझे पता है कि यहाँ सुनने वाले तमाम मेरे जो साथी सहभागी हैं वो हिंदी साहित्य से सीधे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन सबको ये मुद्दा बड़ा दिलचस्प लगेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। आम तौर पर जो पश्चिम का बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी इस बात से अनभिज्ञ रहता है कि भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली पढ़ी लिखी जाती। मेरे पास कई संकलन हैं, विश्व कविता के संकलन, विश्व कथा के संकलन। मजे की बात है कि उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन लेखकों को शामिल किया गया है वो हिंदी मराठी या बंगाली की नहीं बल्कि अंग्रेजी, क्योंकि उन बुद्धिजीवियों को, पश्चिम के उन बुद्धिजीवियों को कई बार ये लगता है कि यदि भारत को जानना है तो अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले
भारतीय लेखकों को पढ़ लिया जाए पर्याप्त होगा, क्योंकि उनके पास हिंदी और तमाम दूसरी भाषाओं का अनुवाद सही से नहीं पहुंच पाता। वे भारतीय अंग्रेजी लेखकों तक ही सीमित रह जाते हैं और वे अपनी किताबों में भारतीय अंग्रेजी लेखकों को ही शामिल। ये एक दिलचस्प मुद्दा मुझे दिखाई दिया। मैंने कुछ लोगों से पूछा, अपने विदेशी मित्रों से, कि ऐसा क्यों है आप हिंदी के लेखकों पर या मराठी अंग्रेजी मराठी बंगाली के लेखकों पर उस तरह से ध्यान क्यों नहीं दे पाते। कानून का कहना था कि हमारी जो भारत की भूख है वो अंग्रेजी वालों से ही पूरी हो जाती है, हमें जरूरत ही नहीं जान पड़ती कि दूसरी भाषाओं की तरफ जाए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे सुलझाने में, जिसको दुरुस्त करने में, जिसको संबोधित करने में नई पीढ़ी को अपनी भूमिका निभानी होगी, और वो नई पीढ़ी हम ही लोगों द्वारा बनाई जाएगी जो अपनी नई पीढ़ी के बीच हिंदी को लेकर के गर्व की भावना, गौरव की भावना भरने में सक्षम हो पाए, भरने में कामयाब हो पाए। यहाँ पर मैं फिर से अपने उसी संकल्प को, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं करूँगा, प्रेम की बातें हैं ये, प्रेम से कहूँगा मैं, और उसी प्रेम के तहत, भाषा के इस प्रेम के तहत मैं अपने सुनने वाले तमाम लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि जितना संभव हो आज के दिन कम से कम ये संकल्प लें कि जितना संभव हो अपने जीवन में हिंदी का व्यवहार करें, जितना संभव हो हिंदी के प्रति गर्व और गौरव की भावना से भरे रहें, दृढ़ रहें हिंदी के प्रति, पूरी विनम्रता के साथ दृढ़ रहें। इफ्को और इस तरह के संस्थानों ने हिंदी के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। इस भूमिका को रेखांकित करते हुए और इन भूमिकाओं के प्रति आभार जताते हुए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी का हम अधिक से अधिक प्रयोग करें, हिंदी के प्रति दृढ़ संकल्प और विनम्रता के पूरे भाव को लेकर के आगे चलें। हिंदी दिवस मनाने एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में और हिंदी माँ के सुपुत्र के रूप में हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाए। नलिन जी, ये कुछ बातें जो अभी मैं इस तरह से हमारे जहन में जो आई हैं, जो मैं अब आप सभी लोगों के साथ साझा की है मैंने, और ये साझा करके मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं क्या इसमें कुछ और अगर छूट रहा है नलिन जी आपके कार्यक्रम के प्रारूप के हिसाब से, तो आप मुझे क्या कोई रचना पाठ या कोई कविता पाठ तरह की कोई चीज है अगर, या उसके लिए कुछ और मुझे अगर आप बता देंगे तो मैं। बहुत बहुत सारगर्भित आपने रखा है और हिंदी हरि अनंत हरि कथा अनंता की स्थिति है। आप बोलेंगे तो बोलते जाएंगे और हम कभी नहीं कहेंगे कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। हमारी इच्छा है अगर आप उस पे अपनी कोई कविता सुना पाए तो हमें बहुत खुशी होगी, छोटी सी कोई कविता। मैं आपको छोटी एक दो कविताएं छोटी छोटी सुनाता हूं ताकि जो जो हमारी लेखकीय उपस्थितियां हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं संतुष्ट और न्यायपूर्ण हो। जी, कविताएं जो हम सबके दिल से जुड़े। मुश्किल समय, देखिए ये भी आपकी भाषा से जाकर के जुड़ती है, कई बार भाषा और परिजनों से भी जुड़ती है। जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए, जब मुश्किल समय आए सब कुछ बेकाबू हो जाए,
उससे थोड़ा और प्रेम करना जिससे अब तक तुम करते आए, जिससे अब तक तुम करते आए। एक और छोटी सी कविता, प्रेम की कविता। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊं। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा, वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊं। बहुत खूब। और एक यकीन की कविता, जो भी जब भी संकट का समय, अंधेरे का समय आता है, हमारे भीतर का ये यकीन पुख्ता होता जाता है। भाषा को लेकर के भी कई बार संकट का ये समय हम सभी महसूस करते हैं। उसी संकट से जुड़ी हुई है संवाद ये कविता, यकीन। तुम मुझसे कहना मैं कहूंगा तुमसे, तुम मुझसे कहना मैं कहूंगा तुमसे, मुझे यकीन है कहने से सुनने से कम हो जाते हैं दुख, जैसे बचपन में फूंक मारने से तू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी पूरी बात को विराम देना चाहूंगा, अंत में एक शेर कहना चाहूंगा। सर 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 बातें चाहेंगे, वो पंक्ति अंतिम वाली एक बार और दोहरा दें, वो ठीक से कुछ तकनीकी बाध्यता के कारण हम तक नहीं पहुंचे। अच्छा, उसके बाद वो शेर मुलाजा करें जी। माफ कीजिएगा। तुम मुझसे कहना मैं कहूंगा तुमसे, मुझे यकीन है कहने से सुनने से कम हो जाते हैं दुख, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे बादल, जैसे बचपन में फूंक मारने से दूर हो जाते थे। क्या बात, क्या बात। नलिन जी, जोशी जी और इफ्को के पूरे परिवार को मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए इस शेर से विराम लेना चाहता हूँ। ये शेर कहते हुए, जो हमारी पूरे के पूरे संघर्ष की यात्रा एक संस्कृति के रूप में, एक भाषा के रूप में, एक समाज के रूप में हमारे संघर्ष की यात्रा को चित्रित प्रतिबिंबित करता है। ये शेर, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन तौरे जहां हमारा, हिंदी है हम वतन हिंदोस्ता हमारा, हिंदी है हम वतन हिंदोस्ता हमारा। आप सभी को मेरा हृदय पूर्वक प्रणाम और दिल से अनेक शुभकामनाएं। बहुत आभार सर, सुनने और सुनाने का ये क्रम कार्यालय के माहौल में कम ही मिलता है। इतना सुकून मिल रहा था, दुनिया भर के शब्दों की आवाजाही हो रही थी और लग रहा था एक सभ्यता समीक्षा हो रही है। हम अपने बचपन में जा रहे थे और जितनी सरलता के साथ और जितने आत्मविश्वास के साथ आपने कहा, हम में से बहुत से लोगों का हौसला बढ़ा होगा। और वो जो सूत्र वाक्य जो आपके मित्र ने फरमाया कि हिंदी के प्रयोग से वो गौरव का बोध नहीं होता, जिसको आपने गांठ बांध ली और ये कोशिश की कि जितना बन सकता है वो हिंदी में ही करेंगे। हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है पहले से अधिक कोशिश करेंगे। आप ही की पंक्ति से जुड़कर कहेंगे कि जब मुश्किल समय आए तुम उससे और प्रेम करना जिससे तुम अब तक करते रहे। हिंदी से हमारा प्रेम और बढ़ेगा, शायद इस कार्यक्रम के बाद एक नई चेतना, एक नए भाव, एक नए उत्साह लेकर हमारे लोग जाएंगे। और साहित्य का कमाल यही है कि साहित्य और साहित्यिक रचनाएं सुनने के बाद आप वही नहीं रहते जो उससे पहले थे। हम में एक बदलाव का बोध हमारे अंदर आया है और ये हिंदी को लेकर ये मैं कहूँ एक जागरण का संदेश आपने दिया है। और अपनी माँ की इज्जत अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे कैसे कर सकते हैं। तो जो भी हिंदी भाषी हैं या अपनी मातृभाषा के प्रति भी, जिनकी जो भी मातृभाषा है, अव्वल हम उसके प्रति सम्मान का भाव रखें, उसके प्रति कोई हीन भावना न रखें। तो मुझे लगता है कि
हमारा विकास होगा, देश का विकास होगा। इतनी सारी भाषाएं देश में बोली जाती हैं वो दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदी चूंकि सबसे ज्यादा बोली समझी जाती है और एक बड़ी बहन की तरह है, संस्कृत से समान धर्म है, तमाम संबंध जुड़ते हैं भारतीय आधुनिक भारतीय भाषाओं के। दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी आवाजाही रही है, हमारे शब्द दक्षिण से भी आए हैं और हिंदी संस्कृत के शब्द वहां गए हैं। जब तुर्की फारसी पुर्तगाली ऐतिहासिक कारणों से आर्थिक कारणों से जब उनके शब्द हमारे यहाँ रच बस गए तो हमारे यहाँ ही जब सांस्कृतिक प्रसार जो शंकराचार्य के समय में हुआ तो संस्कृत की भूमिका तमाम भारत के तमाम, चाहे वो दक्षिण भारतीय भाषाएं हों, उत्तर पूर्व की भाषाएं हों, बंगाल की भाषा हो, हिंदी और हिंदी की पट्टी के जो बोलियां हैं सब में एक बहुत बड़ा एक बृहत्तर समुच्चय है जिसे हम भारतीय, और इकबाल जिस अर्थ में हिंदी कह रहे हैं या तर्जुमा हिंदी जब हम कहते हैं तो हिंद प्रदेश की भाषा, और उसमें हिंदी का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, हम हिंदी उर्दू हिंदी बांग्ला हिंदी असमिया के पचड़े में ना पड़े। और बहुत सही फरमाया, जब वो अपनी जड़ों को खोदने जाते हैं तो कई बार हम गलत और असुंदर निष्कर्ष पर भी पहुंचने का खतरा मोल ले लेते हैं। अच्छा हो कि जिसको हमने अपना लिया है उसको और उदार बनाते चले। हिंदी अपने आप में एक उदार भाषा है, क्रिया हिंदी की रहते हुए तमाम शब्दों को लेकर के भी वो वाक्य हिंदी का वाक्य बना रहता है, और शायद यही गहराई है। तो हम बहुत ऊंचे बनने की कोशिश ना करें, अपनी गहराई को ही अपना अपनी शक्ति बना लें, तो मुझे लगता है कि हम सब दूसरी भाषाओं को भी न खटकेंगे। और ये राजभाषा का जो कई बार ये अतिरिक्त एक एक दर्प झलकता है वो भी न लगेगा लोगों को। राजभाषा कहने से एक लोगों को हिंदी के प्रति एक एक दुराव का बोध होता है कि अतिरिक्त इन्होंने राज पहन लिया है। हम राज को राज ही रहने दें और हिंदी को अपनी मातृभाषा, एक बेहतर संपर्क भाषा, एक बोलचाल की एक संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल कर सकें, और सबकी भाषाओं के शब्द लेकर के, और जो अनुच्छेद 51 में जो संकल्पना की गई कि भारत की सामासिक संस्कृति का बोध कराते हुए संस्कृत से और देश की तमाम भाषाओं जो जो 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं सभी अपनी भाषाएं, शब्द के शब्द को लेकर एक उदार हिंदी का हम प्रयोग करें तो मुझे लगता है लोगों को भी लगेगा कि हिंदी हमारी भाषा के शब्द भी ले रही है और हम भी ले पाए, तो ये परस्परता ही हमें आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर से अपनी 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 टीम की ओर से, अपनी भाषा साहित्य संस्कृति प्रकोष्ठ की ओर से और इफको परिवार की ओर से आपको देते हैं। हमारे जोशी सर लगातार सुन रहे थे, बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत सर को कहीं जाना भी, मतलब मेरे विचार भी इनसे, मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ हूँ, पहले भी मेरे विचार ऐसे थे, बहुत ज्यादा प्रेरित हो गया मैं। बहुत धन्यवाद आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर शामिल होकर के। इस पूरे परिवार को मेरी ओर से धन्यवाद और शुभकामना। नमन। और एक औपचारिक धन्यवाद मैं प्रस्तुत कर दूं, हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें अलग अलग विभागों का सहयोग मिलता है हमें, खासतौर पर जो IT सेल है हमारा, हमारे ए के गुप्ता सर उसके मुखिया हैं और उनकी टीम हमें सहयोग करती है, तभी ये कार्यक्रम, हम तो जूम से जुड़े हैं लेकिन यूट्यूब पर सभी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आगे भी इसको देखेंगे सुनेंगे। मैं गुप्ता सर के प्रति और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने जोशी जी, हमारे चूंकि रिपोर्टिंग अधिकारी हैं और उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता है और हिंदी प्रेमी हैं, आपने सुना उनको, मैं वक्त निकालने के लिए सर आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने विभाग के सहयोगियों, रोहित आज नहीं आ पाए, बीमार हैं, इस कार्यक्रम की को संयोजित करने में उनकी मुख्य भूमिका है, रोहित के प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे अन्य साथी हैं, अनमोल हैं, राशिद हैं, अंजलि हैं, स्वाति हैं, ज्योति हैं, ये सभी मिलकर के हमें सहयोग करते हैं, उनके प्रति भी मैं अपना अपना आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो प्रबंध निदेशक महोदय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी, खुद साहित्यिक परिवार से आते हैं, किन्हीं व्यस्तताओं के कारण हम उनको नहीं जोड़ पाए, हमारी इच्छा रहती है और ऐसे कार्यक्रमों में वो खुद आते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम चाहेंगे कि वो आएंगे, उनके प्रति भी, चूंकि उनके मार्गदर्शन के बिना हिंदी और भाषा और साहित्य का ये काफिला इस तरह नहीं चल पाता, उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। तमाम हमारे उच्च अधिकारी निदेशक मंडल के सदस्य, सबका सहयोग मिलता है हमें, हम उन सबके प्रति, अपने पूरे इफको परिवार के प्रति और एक बार फिर से गीत चतुर्वेदी साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंदी, जय हिंद, नमस्कार।